तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इस प्रकार की एडिटिंग आप दे सकते हो मेरी फ़ोटो को। दोस्तों ये देखो, आप दे सकते हो दोस्तों मैंने कितना अच्छा फेस स्मूथ किया, बैकग्राउंड में कलर किया दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा मैंने कैसे किया है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपनी फ़ोटो को ले जाना होगा आपको स्नैपशीट ऐप में। तो दोस्तों स्नैपशीट में आने के बाद आपको जाना होगा टूल्स वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों आपको फिर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इधर। तो सबसे पहले आपको जाना होगा सिलेक्टिव में। सिलेक्टिव में आने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से अपने चेहरे को इंकच कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इसमें थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे इसकी, इस प्रकार से आप भी कर लीजिए। ये देखो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए दोस्तों आप भी। फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने कलर कैसे किया है दोस्तों। ये देखो थोड़ा इधर रह गया है। आप देख सकते हो दोस्तों हमारा फोटो चेहरा साफ हो चुका है दोस्तों। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। फिर दोस्तों टूल्स में जाने के बाद आपको फिर जाना होगा ट्विन इमेज में। हम बाइस को थोड़ा बढ़ा देंगे दोस्तों, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट को थोड़ा माइनस रखेंगे, इसको दोस्तों थोड़ा सा ज़ीरो रखेंगे दोस्तों इसको, और शेडो को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों आप इसमें इतना ही करना होगा आपको। फिर टूल्स में जाके डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाके दोस्तों इसको स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे, सर्फिंग को बढ़ा देंगे दोस्तों। तो फिर दोस्तों आपको देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। फिर दोस्तों टूल्स में जाने के बाद आपको जाना होगा नीचे टोटल कॉन्ट्रास्ट में। फिर दोस्तों इसको हाई टोन्स को बढ़ा देंगे थोड़ा और मिड टोन्स को माइनस कर देंगे। इसमें थोड़ा इतना ही रहेगा दोस्तों। अभी आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर। तो दोस्तों फिर आपको टूल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल ऊपर दिख रहा होगा क्रैप्स का ऑप्शन। तो इसमें आने के बाद दोस्तों आपको आइस के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको रेड कलर में जाने के बाद इसे पकड़ कर दोस्तों इस प्रकार से इधर खींच देंगे। ये देखो फिर ग्रीन में आके दोस्तों इसको ऊपर कर देंगे। फिर दोस्तों इसमें जाकर ब्लू में वाले में जाके इसको भी थोड़ा इस प्रकार से नीचे खींच देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो। आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों मैंने क्या किया है, क्यों किया है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा पूरा वीडियो बताऊँगा। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। दोस्तों इतना होने के बाद सिंपल है आपको ऊपर एरो का निशान दिख रहा होगा, उसमें जाके व्यू एडिट्स में जाके दोस्तों ऊपर क्रैप्स वाले ऑप्शन में जाके ब्रश वाले टूल्स में जाके दोस्तों आपको नीचे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। फिर नीचे दोस्तों आप अपने चेहरे पर से साफ कर लेंगे उसे। तो चलिए मैं चेहरे पर से साफ कर लेता हूँ चेहरे और इधर एरो पर और पैंटों पर दोस्तों। अब देखना थोड़ा मैं स्पीड कर देता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ थोड़ा दोस्तों। दोस्तों पेंट पर भी कर लेंगे, इसे साफ कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे फ़ोटो साफ हो चुकी है, फेस साफ भी हो चुका है। आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर दोस्तों। ये देखो दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों थोड़ा और टूल्स में आने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिख रहा होगा पोर्ट्रेट का ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें आने के बाद आपको स्मूथ टू वाले ऑप्शन में जाके दोस्तों इसमें
फेस स्मूथिंग की, स्किन स्मूथिंग की, इसको पूरा शो कर देंगे, आइस क्लैरिटी कम कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फेस स्मूथ भी हो चुका है थोड़ा थोड़ा। फिर टूल्स में जाके दोस्तों आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके थोड़ा इधर और इंगेज कर लेंगे, आप देख सकते हो इसी प्रकार से। ये देखो तो दोस्तों अभी आप दे सकते हो। फिर टूल्स में आने के बाद दोस्तों थोड़ा और सिलेक्टिव से हैंड पर कर लेंगे हमारे। तो दोस्तों अपनी फ़ोटो को करेंगे सेव। सेव करके दोस्तों अपनी फ़ोटो को ले जाना होगा आपको लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए मैं अपनी फ़ोटो को ले जाता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों अभी हमारी फ़ोटो आई नहीं है, तो दोबारा लेने जा रहा हूँ मैं उसी प्रकार से दोबारा। अब दोस्तों हमारी फ़ोटो आ चुकी है लाइट रूम ऐप में। तो दोस्तों सिंपल है, सबसे पहले आपको जाना होगा लाइट वाले ऑप्शन पर, नीचे ब्लैक को थोड़ा बढ़ा देंगे, वाइट को माइनस रखेंगे दोस्तों, शेडो को भी थोड़ा माइनस रखेंगे, हाईलाइट को माइनस रखेंगे, कंट्रास्ट को भी थोड़ा माइनस रखेंगे दोस्तों। फिर कलर में जाके दोस्तों इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, मिक्स में जाके दोस्तों ऑरेंज वाले कलर में जाके सेचुरेशन को माइनस और लुमिनस को प्लस कर देंगे अपने चेहरे के हिसाब से। दोस्तों आपको कितना फेस वाइट रखना है। फिर रेड में जाके दोस्तों रेड को थोड़ा माइनस रखेंगे, येलो में जाके दोस्तों येलो में जाके हुई को थोड़ा बढ़ा देंगे इतना। फिर दोस्तों ग्रीन में जाके इतना, दोस्तों हुई को थोड़ा माइनस में रखेंगे और सेचुरेशन को थोड़ा प्लस में, स्काई को माइनस, ब्लू को भी थोड़ा माइनस, इसको भी माइनस दोस्तों, इसको भी माइनस। अभी आप देख सकते हो दोस्तों हमारी फ़ोटो। फिर दोस्तों इफेक्ट वाले ऑप्शन में आके क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, नीचे आके इसको थोड़ा माइनस रखेंगे, तो अपनी फ़ोटो को करेंगे ऑटो डेस्क के अंदर। तो चलिए दोस्तों इसमें आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल है, फिर जाना होगा आपको ब्रश वाले टूल्स में। ब्रश वाले टूल्स में आने के बाद दोस्तों आपको नीचे आके सिंपल है दोस्तों इस वाले ब्रश को ले लेंगे, इसकी सेटिंग दोस्तों आपको इतनी रखनी है। फिर दोस्तों अपना फेस स्मूथ करेंगे, आप देख सकते हो कितना अच्छा फेस स्मूथ होगा दोस्तों बिल्कुल HD क्वालिटी में। ये देखो ये आप देख सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ दोस्तों फेस आप स्मूथ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फेस स्मूथ अच्छा हो चुका है, फेस साफ हो चुका है दोस्तों। फिर सिंपल आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाके डुप्लीकेट लेयर को बनाना होगा, फिर ब्लेडिंग में जाकर नॉर्मल में जाके दोस्तों आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है, कलर वाले ऑप्शन में जाके दोस्तों रेड कलर को रखना होगा आपको, ब्रश वाले टूल्स में जाकर दोस्तों ऊपर एक इस वाले ब्रश को ले लेना है। फिर अपने चेहरे पर दोस्तों लिप्स पर इस प्रकार से आपको रेड रेड कर देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से लिपस्टिक लगा देंगे दोस्तों इससे भी और। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।